फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें कुछ पार्ट बोन का निकालना पड़ता है, ऐसे केसेज में हम डायनेमिक स्पाइन सर्जरी यूज़ करते हैं, वो भी एक काफ़ी एडवांसमेंट है। ये सारे USA FDA-approved इम्प्लांट है। अगर हम एक स्पाइन यूनिट की बात करें तो इस पर इतना मूवमेंट होना ज़रूरी है, तभी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकता है। बट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा तो स्पाइन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम थोड़ा सा पार्ट बोन का निकालते हैं या इंस्टेबिलिटी होता है, तो हमारे पास इंटर स्पाइनस स्पेसर्स होते हैं। ये टाइटेनियम के बहुत लाइट वेट स्पेसर्स हैं जो अराउंड 30,000 to 50,000 कॉस्ट करता है पेशेंट को। इसको हम छोटे से ऑपरेशन के द्वारा बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस इंस्टॉल कर देते हैं, फिट कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट का मूवमेंट पूरा ख़त्म नहीं होता है। पेशेंट आज भी अभी भी लगने के बाद आप देख रहे हैं मूवमेंट कर सकता है, बट जो एक्सेसिव मूवमेंट था, जो ज़्यादा मूवमेंट था, वो ख़त्म हो जाता है। पेशेंट का स्पाइन स्टेबल हो जाता है, कोई फर्दर उसको रिस्क नहीं होता। तो ऐसी सर्जरीज को डायनेमिक स्पाइन सर्जरी बोलते हैं, जिसका ये एक ये उदाहरण है इंटर स्पाइनस स्पेसर। दूसरा बड़ा जो एडवांसमेंट आया है डायनेमिक स्पाइन सर्जरी में, वो जो रोड्स जो हम लगाते हैं स्क्रू को कनेक्ट करने के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि स्पाइन को फिक्स करने के लिए हमें पेडिकल स्क्रूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेडिकल स्क्रूज़ पेडिकल के थ्रू जाते हैं और उसको पीछे हम रॉड से कनेक्ट करते हैं। ये टाइटेनियम की सॉलिड रॉड है, 6 mm और 5 mm थिक। इसको लगाने के बाद पेशेंट की कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं। बट आजकल जो ये टाइटेनियम की रॉड्स की जगह फ्लेक्सिबल सिलिकॉन की रॉड्स आ गई हैं, जो एक्सरे में भी नहीं दिखाई देती, वो इतनी सपल होती हैं बॉडी के अंदर जब इंस्टॉल होती हैं 37 degree टेम्परेचर के दौरान, वो बॉडी की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो पूरा मूवमेंट बॉडी का जो स्पाइन अनस्टेबल हो गया उसको नहीं अलाउ करेंगी, बट जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसको वो अलाउ करती हैं। तो इसको डायनेमिक स्पाइन फिक्सेशन बोलते हैं, विद सिलिकॉन रॉड्स, विद फ्लेक्सिबल रॉड्स। स्प्रिंग वाली रॉड्स भी आती हैं, डिफरेंट कंपनीज इस चीज़ को बनाती हैं। अच्छी बात यह है कि सबने स्पाइनल फ्यूजन करके देखा है, हम भी अपने पेशेंट्स देखते हैं, पेशेंट 3 to 4 साल, 5 साल तक खुश रहता है। बट जब भी उसका स्पाइन फिक्स हो जाता है, तो जहाँ तक स्पाइन फिक्स होता है उससे ऊपर का जो लेवल होता है उस पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू होगा तो वो डिस्क का डैमेज होने का डर काफ़ी बढ़ जाता है। ये काफ़ी कॉमन समस्या है, जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़, और जो एक बहुत बड़े एपिडेमिक की तरह फैल रहा है वर्ल्ड वाइड में। मैंने अपने भी काफ़ी पेशेंट जिनका पहले स्पाइनल फ्यूजन किया था, अब वह वापस तकलीफ की वजह से आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में डायनेमिक अगर हम रॉड लगाएं तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हर लेवल पे शेयर होगा, और ऊपर या नीचे वाले लेवल पे जो कि पहले कभी नॉर्मल होता था उस पे डैमेज नहीं होगा। सो डायनेमिक स्पाइन सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो मैं कहूँगा कि पेशेंट का नॉर्मल मूवमेंट ठीक बरकरार रहता है, दूसरा कि जो नॉर्मल लेवल थे उन पर डैमेज नहीं होता, एंड पेशेंट का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेट, उसको खुशी रहती है, उसको अपना मूवमेंट मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। तो ये था डायनेमिक स्पाइन सर्जरी के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच।